Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज 8 हैंड ग्रेनेड के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन हथगोलों का इस्तेमाल जम्मू और नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दौरान कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने की योजना थी। जम्मू जोन के IG डॉक्टर SD सिंह जमवाल ने कहा कि इससे पहले कि शहर के किसी भी ठिकाने में वो हथगोलों को छिपा पाता, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 दिनों की यात्रा पर केरल पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को त्रिशूर के एक पुजारी ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी चेयरमैन ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को जिस सेंट थॉमस कॉलेज के शताब्दी समारोह में शरीक होंगे, उसे वो बम से उड़ा देगा। इस धमकी के बाद पुलिस टीम तुरंत ही हरकत में आई और कॉल डिटेल के सहारे चेयरमैन को ट्रैक कर हिरासत में ले लिया। वहीं त्रिशूर के SP ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि चेयरमैन ने शराब के नशे में ये कॉल किया था और सुबह जब वो होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उत्तर प्रदेश के देवरिया के बालिका गृह में लड़कियों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने संबंधित जिलों में स्थित बालिका गृह और महिला संरक्षण गृह के व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस पर विवादों से घिरी बिहार सरकार की मंत्री मंजू वर्मा का राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मंजू वर्मा के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सभापति M. वेंकैया नायडू ने आज जानकारी दी कि उपसभापति का चुनाव 9 अगस्त गुरुवार को होगा। उपसभापति का चुनाव एक बार फिर विपक्षी एकता का परीक्षण है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, हालांकि विपक्ष की ओर से अभी तक किसी उम्मीदवार को लेकर आम सहमति नहीं बनी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 34 लड़कियों के साथ दरिंदगी का मामला अब राजनीतिक तूल ले चुका है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। मीडिया में उन्होंने कहा कि हमने इसकी जांच CBI को सौंपने को कहा है। CBI ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट की निगरानी में ही जाँच की जाए। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच काफी तेजी से हो रही है और जो बयान दिया गया है कि सरकार के साहब चुप बैठे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के संसद में PM नरेंद्र मोदी को गले लगाने पर तंज कसा है। ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी की तरह गले लगना तो दूर, अगर वो मोदी से हाथ भी मिला लेते तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता। ओवैसी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उन्हीं के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गले लगने चले गए। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बुलाए गए बंद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी पीठ को लेकर याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछे, जिसके बाद 27 अगस्त की तारीख दे दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई में ही ये तय होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी या नहीं। सुनवाई पर पार्टी के लोगों के साथ साथ पूरे देश की नजर रही। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जीवन पर एक ही नाम, सिने आजकल विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHECK मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DM के अध्यक्ष M. करुणानिधि पिछले 1.5 हफ्ते से चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हॉस्पिटल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक करुणानिधि की नब्ज बहुत धीमी चल रही है। डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। करुणानिधि के बेटे M. K. स्टालिन भी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। कनिमोझी भी वहाँ मौजूद हैं। असम में NRC ड्राफ्ट पर जारी हुए एक हफ्ता बीत चुका है। जिन लोगों के नाम NRC लिस्ट में नहीं थे वो दोबारा 7 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म मिलने की तारीख अब 10 अगस्त कर दी गई है। ये फॉर्म 30 अगस्त से NRC सेवा केंद्रों में लोग जमा कर सकेंगे।
भारत का पड़ोसी देश चीन दिन प्रतिदिन सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। चीन लगातार ऐसी गतिविधियों में तेजी ला रहा है जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन जल्द ही तिब्बत क्षेत्र में भारत बॉर्डर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट रॉकेट तैनात कर सकता है। इस रॉकेट की खासियत ये है कि कम ऑक्सीजन कम विजिबिलिटी वाली जगहों में भी कारगर साबित होगा और अपने प्रतिद्वंदी की मुश्किलों को बढ़ाएगा। साउथ कैंपस से लाजपत नगर के बीच दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन मेट्रो विस्तार का संचालन आज से शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो भवन से हरी झंडी दिखाकर इस मेट्रो रूट की शुरुआत की। इस पिंक लाइन में 2 इंटरचेंज समेत कुल 6 मेट्रो स्टेशन है। INA और लाजपत नगर मेट्रो के लिए इंटरचेंज का काम करेंगे। इस रूट पर सर विश्वरैया, मोतीबाग, भीकाजी, कामा प्लेस, सरोजनी नगर, INA, साउथ एक्सटेंशन और लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो के इस विस्तार की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। देवरिया के नारी संरक्षण गृह में भी देह व्यापार कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। संरक्षण गृह से भागी एक लड़की ने पुलिस को ये जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने देर रात ही संरक्षण गृह पर छापा मारकर 42 में से 18 लड़कियां गायब मिली। पुलिस ने 24 लड़कियों को मुक्त कराकर संचालिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लॉन्च की घोषणा कर दी गई है। इसी महीने 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के IGPBB को लॉन्च करने के बाद इसकी 650 शाखाओं में काम शुरू हो जाएगा। देश के हर जिले में इसकी कम से कम एक ब्रांच होगी। इन शाखाओं के जरिए IGPBB बैंक सेवाएं ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सेवा दे पाएंगी। अक्षय कुमार पहली बार टीवी एक्ट्रेस मोनी राय के साथ फिल्म गोल्ड में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है। फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार को अपनी पत्नी से पिटते हुए दिखाया जा रहा है। इस बात का खुलासा हाल ही में फिल्म के एक मेकिंग वीडियो में हुआ है। वीडियो में अक्षय कुमार ये बताते नजर आ रहे हैं कि मोनी राय की कास्टिंग बंगाली महिला के रूप में बिल्कुल सही है। वो बुरी तरह से अपने पति को मारती है, ये उनकी आदत में शुमार है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM India TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के